लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने आज उद्धव सरकार पर नवी मुंबई शहर के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए जमकर हल्ला बोल किया। गणेश नाइक ने कहा कि नवी मुंबई में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसे रोकने के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार 30-40% वैक्सीन यहां कम दे रही है। पूर्व मंत्री ने सीएम, डिप्टी सीएम और उच्च अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर नवी मुंबईकरों की मांग के अनुरूप 100% कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया है। इसे देखते हुए 15 लाख की आबादी वाले शहर नवी मुंबई में कोविड वैक्सीनेशन तेज हो गया है। हालांकि नवी मुंबई में मांग की तुलना में 40% वैक्सीन कम मिल रही है। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने बताया कि बीते महीने कल्याण डोंबिवली को 33,230 कोविशील्ड वैक्सीन दी गई, थाने मनपा को कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिलाकर 36,750 वैक्सीन, लेकिन नवी मुंबई मनपा को सिर्फ 22,430 कोविशील्ड ही दी गई, जबकि कोवैक्सीन तो एक भी नहीं मिली। गणेश नाइक ने कहा कि यह उद्धव सरकार का बड़ा पक्षपात नहीं तो और क्या है। पूर्व मंत्री ने सीएम, डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को चिट्ठी लिखकर इस पक्षपात को तत्काल रोकने और नवी मुंबईकरों की मांग के अनुरूप 100% वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक गणेश नाइक का मानना है कि यदि वैक्सीन ऐसे ही चलता रहा तो नवी मुंबई में संपूर्ण वैक्सीनेशन में वर्षों लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन काल में भी राज्य सरकार ने नवी मुंबई की उपेक्षा की और कोविड केयर सेंटर इंतजामों के लिए मात्र 10,40,00,000 का ही फंड दिया। नवी मुंबईकरों की सुरक्षा को लेकर लगातार पहल करते रहे गणेश नाइक ने कहा कि आज कोरोना की दूसरी लहर से लोग जान गंवा रहे हैं, फिर भी राज्य सरकार नवी मुंबई को 40% कम वैक्सीन देकर सीधे तौर पर पक्षपात कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का रवैया नहीं बदला तो वे नवी मुंबईकरों के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।